hello everyone good morning this video is for class 10th subject geography today our topic is the major non food crops non food crops uh, in previous video we were discussed about uh, food crops uh, we uh, were discussed that food crops greens other than greens आज जो मेजर क्रॉप्स पढ़ने जा रहे हैं हम नॉन फूड क्रॉप्स हमने फूड क्रॉप्स में ग्रीनस में बहुत सारे ख़ासकर मैलेट जवार बाजरा रगी एंड व्हीट बार्ली पेडी uh, मेज सभी चीज़ों को डिस्कस किया था फिर हमने प्लांटेशन क्रॉप्स uh, को भी डिस्कस किया टी कॉफ़ी हो आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ठीक है तो थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो को और अगर जाएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे प्रीवियस वीडियो की थोड़ा बहुत लाइक यहाँ पे देखो हमने कॉफ़ी डिस्कस करके आया था बेस्ट क्वालिटी माना जाता है कॉफ़ी को दूसरा हमने यहाँ डिस्कस किया था ख़ासकर कॉफ़ी एंड टी को बेवरेज क्रॉप भी बोला जाता है टी को डिस्कस करके आया था हमने प्लांटेशन क्रॉप्स थे और हमने आप लोगों को हॉर्टिकल्चर्स हो दूसरा हमने आप लोगों को ऑयल सीड्स हो उससे पहले हमने शुगर केन हो बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करके आया था ठीक है यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन फूड क्रॉप्स यानी पहले जो इतने सारे हम क्रॉप्स पढ़ रहे थे वो फ़ूड क्रॉप्स था जिनको हम खाया जा सकता है इनमें हम उन क्रॉप्स को पढ़ेंगे यानी वो भी क्रॉप्स हैं जो खाया नहीं जाता बट दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है जिनको खाया नहीं जाता इसीलिए मेजर नॉन फूड क्रॉप्स दिया है लाइक like सबसे पहले रबर सभी को पता होगा रबर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है रबर की बहुत सारी चीज़ें बनाए जाता है रबर की तो ये वन ऑफ दी मोस्ट मेजर नॉन फूड क्रॉप्स हैं ये इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन में होता है इक्वेटोरियल रीजन का मतलब ये कि आप लोगों को समझा दिया था देख लें एक बार इक्वेटोरियल रीजन अगर कहें तो इस वाले रीजन में इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन ख़ासकर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया की केरला की ओर हो जाता है लेकिन इंडिया की केरला तो कहाँ पे है इक्वेटोर से ऊपर है एट डिग्री के अंदर तो ये सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जोन में आता है सब ट्रॉपिकल जोन में आता है तो यहाँ पे भी इसकी उत्पादन हो जाता है लेकिन क्यों क्योंकि यहाँ बारिश की जो बारिश जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिश की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए मॉइस टेम्परेचर इन बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए तो तो वो यहाँ पे उस कंडीशन वो मिल जाता है तो यहाँ पे भी उसकी उत्पादन हो जाता है सो दिस इज़ द द क्रॉप इज़ अ अक्टोरियल क्रॉप बट लेकिन uh, क्या होता है कि कैन uh, बी ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ये, ये ट्रॉपिकल एरिया में भी उगते हैं और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसकी उत्पादन होती है इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए जो टेम्परेचर और क्लाइमेटिक जो कंडीशन चाहिए ख़ास कर इन्वामेंट के अंदर नमी वाला चाहिए ठीक है बिल्कुल आ, ड्राई क्लाइमेट में ये इसकी उत्पादन इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिड एंड मॉइस क्लाइमेट के अंदर इसके उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है रेनफॉल चाहिए इसके लिए क्योंकि हाई रेनफॉल के अंदर आ, हो जाता है रेनफॉल मोर दूसरा ख़ास कर टेम्परेचर जो है रेनफॉल लगभग वन फिफ्टी सेंटीमीटर के हिसाब से टेम्परेचर जहाँ की ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो वो टेंपरेचर चाहिए यहाँ पे क्योंकि इसके लिए गर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्योंकि ख़ासकर इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल रबर के यहीं से ही निकलता है इन इन जगहों से मेजर एरिया जो आप लोग देखा जिसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है लाइक केरला तमिलनाडु मेघालिया अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है उन उन जगहों में होता है मेघालिया फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को वन ऑफ़ द मोस्ट मेजर रेनफॉल जगह है चिरापुंजी में सिंड्रम के अंदर केरला में भी बारिश बहुत अच्छा हो जाता है तमिलनाडु के अंदर भी बहुत अच्छा बारिश हो जाता है और अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे भी बारिश बहुत अच्छा हो जाता है जहाँ से साउथ वेस्ट विंड ही चलते रहता है ठीक है तो उन जगहों में इसकी उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है नाउ फाइबर क्रॉप्स बहुत सारे ख़ासकर जिनसे हमारी टेक्सटाइल की चीज़ें बनता है लाइक हम जो पहनते हैं क्लोथ वो बनते हैं वो सारे फाइबर क्रॉप्स जिसमें लाइक जूट कॉटन हम्प नेचुरल सिल्क जिस जो मेजर क्रॉप्स है ये सारे ख़ासकर ठीक है सिल्क के उत्पादन यहाँ पे सीरीज़ जो कल्चर दिया है वो इसके साथ दिया है ठीक है आ, सिल्क सभी को पता है जो सेल्क वाम से ही निकलता है इस पहले सेल्क वाम को वहाँ पे खासकर इसकी सीरी कल्चर करना होता है ठीक है जहाँ पर सेल्क वाम को पैदा करना होता है फिर इसके बाद सेल्फ वाम को कुकून आ, में सिल्क अच्छा होने के लिए ख़ासकर सल्क वाम की जो कुकून है उसको मलबरी लीव्स पे फीड किया जाता है ताकि बेस्ट क्वालिटी के सिल्क मिले सो आ, द एग्रीकल्चर जो सीरी कल्चर होता है कल्चराइजेशन ऑफ सिल्क को मतलब सीरीकल्चर कहते हैं ठीक है आप लोगों ने बहुत सारे हॉर्टी कल्चर पढ़ा था हमने और हमने क्या पढ़ा था वीटी कल्चर पढ़ा था हमने पेसी कल्चर पढ़ा था हमने ख़ासकर अलग अलग जो आप लोगों को जिसमें ग्रेप्स हो आप लोगों को और दूसरे दूसरे ख़ासकर कल्चरइजेशन बहुत सारे कल्चर होते हैं जो आप लोगों को पहले क्लास नाइन में भी पढ़ाया था और आप लोगों को भी एक काम देता हूँ कि कितने कल्चराइजेशन है वो आप लोगों को लिख के रखना है लाइक पेसी कल्चर हो वेटिकल्चर हो कल्चर हो हॉर्टिकल्चर हो एग्रीकल्चर हो, हो वो सारे कल्चर को आप लोगों को लिखना है ठीक है निकालें आप लोग खुद और लिखें कॉपी पे ठीक है सो सीरी कल्चर इसके साथ नहीं है कॉटन और जूट दिया वो ऊपर यानी सिल्क की जो उत्पादन करने की प्रोसेस को सीरीकल्चर कहा जाता है ठीक है ये थोड़ा नीचे की ओर आया है अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें मेजर जो खासकर फाइबर क्रॉप्स हैं उनमें से दो मेजर फाइबर क्रॉप्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं लाइक कॉटन एंड जूट कॉटन एंड जूट में आप लोगों को एक काम करते हैं हम आप लोगों को कॉटन एंड जूट को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे ठीक है कॉटन एंड जूट का और एक वीडियो बना के रखेंगे आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच